जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने मातृभूमि योजना के संबंध में प्रधानों के साथ विकास भवन के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जो बैठक हो रही है उसमें 6 ब्लॉक के प्रधान को बुलाया गया था तथा मातृभूमि योजना के बारे में बताया जा रहा है जो कि कल लॉन्च हुआ है। इस योजना के तहत गाँव का कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से गाँव के विकास में अपना योगदान करना चाहता है तो कर सकता है, जिसमें व्यक्ति को आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरा, पंचायत भवन, आरओ प्लांट, ओपन जिम बनवाना चाहता है तो वह 60% धनराशि दान कर सकता है, जिसमें 40% धनराशि प्रदेश सरकार डोनेट करेगी, जिससे गांव का विकास होगा और जो व्यक्ति दान दे रहा है उसका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा, जिसमें 2 व्यक्ति दान देने के लिए तैयार हो गए हैं, जिससे ओपन जिम व लाइब्रेरी बनेगा। इसके अलावा 2 कंप्यूटर की धनराशि भी 1 प्रधान दे रहे हैं। उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आकर इसमें हिस्सा ले, जिससे गाँव का विकास हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, ऑनलाइन मोड को लिया गया है ताकि जो भी धनराशि आपकी जाएगी उसमें राशि जो भी आपके अकाउंट से डेबिट होगी, फिर मतलब कोई दलाल या जुलेटर नहीं, पूरे दिन की धनराशि आपकी तुरंत उस खाते में चली जाएगी। ठीक है, डोनेशन करने के बाद आप अपनी डोनेशन की रिसिप्ट उसी पोर्टल से आपके सेम लॉगिन साथ ही डोनेशन के बाद रिसिप्ट आ गई 15 डेज में, आपको बता दें 15 डेज के अंदर आपको अमाउंट 40% है वो भी डिस्कस कर दिया जाएगा, फिर अप्रूव होगी। अप्रूवल के बाद जो भी संबंधित एजेंसी है वो बिल रेज करेगी, बिल रेज यहाँ पे अप्रूव होगा स्टेट से फौरन, इस तरह का कोई भी फौरन आपके संबंधित एजेंसी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कोई भी दलाली नहीं होगी, कोई ग्राम सभा में नहीं जाएगा, जिस एजेंसी से करा रहे होंगे आपकी वो पसंद की एजेंसी होगी, आप स्वयं भी कार्य करा सकते हैं तो उस अकाउंट में आएगा। एक बार अप्रूवल मिलेगा डिस्ट्रिक्ट से तो वो आपको पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। स्टडी किया जमीनी रूप पे तो लोगों को ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए डायरेक्टली जिस एजेंसी से कार्य कराया जा रहा है, कोई भी जैसा आप लोग बोल रहे करप्शन एंड ऑल वो ना हो, उसे रोकने के लिए हम डायरेक्टली उस एजेंसी को अकाउंट देंगे, अमाउंट देंगे। साथ ही एक चीज और बता दें कि कोई बड़े प्रोजेक्ट है तो उसमें रनिंग अमाउंट आपको दिया जाएगा, MB होगी उसके बेसिस पे रनिंग अमाउंट पे करेंगे, यानी कि आपने 12 लाख का काम जब फिनिश कर दिया तभी आपको मिलेगा। आपने अगर उसकी हम 10% 20% इस तरह हमने वेबसाइट पे बनाया हुआ है, आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपको दिखाई देगा उसमें जब भी आप लोग करते हैं तभी आएगा। सर कहाँ हैं आप? आप यहाँ आकर बैठे। हमारे फर्स्ट जो डोनर हैं ये आर्मी से रिटायर्ड हैं और आप डोनेट कर रहे हैं। आज जो अभी बैठक हो रही है, इस बैठक में सभी 6 ब्लॉक के प्रधान जी लोगों को बुलाया गया है, जो उसमें से 6 सम्मानित प्रधान जी हैं वो लोग आए हुए हैं। उनको मातृभूमि योजना क्या है, ये जो मातृभूमि योजना जो कल लॉन्च हुई थी उसके बारे में उनको बताया जा रहा है, ताकि ये मातृभूमि योजना है बेसिकली ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि उस गाँव का निवासी है, आज कहीं और रहता हो या अभी भी उस गाँव में रहता है, जो अपने गाँव के विकास के लिए किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, आधारभूत संरचना के डेवलपमेंट में अपना योगदान करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसके तहत 60% धनराशि जो है किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र कोई बनवाना चाहता है या कोई अपने गांव में लाइब्रेरी बनवाना चाहता है या कोई अपने गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाना चाहता है, सोलर लाइट लगवाना चाहता है, LED लाइट लगवाना चाहता है या CCTV कैमरा लगवाना चाहता है या कोई अतिरिक्त कक्ष स्कूल में या आंगनबाड़ी केंद्र में या पंचायत भवन में बनवाना चाहता है, इस तरह कोई भी निर्माण अगर कोई कराना चाहता है, कोई आरओ प्लांट लगवाना चाहता है, इसके लिए वो 60% धनराशि वो अपनी तरफ से दान कर सकता है और बाकी 40% की धनराशि राज्य सरकार डोनेट करेगी, राज्य सरकार देगी, उसकी मदद से जो है गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, गाँव का सर्वांगीण विकास होगा। तब उस व्यक्ति का, उस दानदाता का जो दान की राशि दे रहा है, उनका नाम उस शिलापट पे लिखा जाएगा। अभी 2 दानदाता यहाँ पर तैयार हो गए हैं। ये प्रोजेक्ट जो है सबसे पहले गोरखपुर से स्टार्ट किया जा रहा है, पूरे यूपी में सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है जो मातृभूमि योजना है गोरखपुर से आरंभ किया जा रहा है। यहाँ पर एक राम यतन यादव जी हैं, वो ओपन जिम और लाइब्रेरी के लिए उन्हें धनराशि देने के लिए 60% धनराशि देने के लिए वो तैयार हैं। इसके अलावा 2 कंप्यूटर के लिए धनराशि देने के लिए आपके जंगल दुर्गन सिंह के पूर्व प्रधान विवेक शाही तैयार हैं। इस तरह बाकी लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए आगे हैं और इससे गांव का जो है सर्वांगीण विकास हो, व्यक्ति का भी जो है जो का अगर नाम अगर स्मृति किसी को सुरक्षित रखना चाहते हैं सुरक्षित रहे।